नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं राजेंद्र कुमार आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ शूज का रिव्यू। कोई नहीं कोई जो नया आर्टिकल दिखता है जिसके बारे में मैं आपको रिव्यू करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कैंपस कंपनी का फर्स्ट आर्टिकल का जूता, जिसके बारे में मैं आपको आज रिव्यू करके बताऊँगा और किस क्वालिटी का जूता है और कैसा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और क्या आपको वो जूता ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपसे बात करूंगा और पूरा फुल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी नया नया वीडियो मेरा अपलोड होता है वो आपके तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ऑनलाइन मंगाओगे तो कुछ इस टाइप का बॉक्स आएगा आपके हाथ में, हो सकता है कोई दूसरे कलर का भी बॉक्स आ सकता है क्योंकि इसकी पैकिंग चेंज होती रहती है। तो मेरे पास जो फ़िलहाल है जो इस तरह का कोई बॉक्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है बॉक्स भी, और इसके ऊपर क्या क्या नाम आता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आएगा गो क्रेजी नाम लिखा हुआ, और यहाँ पर आएगा कैंपस कंपनी का सिंबल, और यहाँ पर आएगा कैंपस नाम लिखा हुआ, और यह नीचे की तरफ देखे तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है अब वक्त है हमारा, ठीक है। और चारों तरफ से मैं आपको बॉक्स घुमा के दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का है बॉक्स। यहाँ पर भी गो क्रेजी नाम आएगा और ऊपर की तरफ एक वेबसाइट आएगी, जो कि इस वेबसाइट पे जाके आप अदर जूता भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। और पीछे की साइड में दिखाऊँ तो यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है जो कि कंपनी के बारे में ही है, सब कुछ आप देख सकते हो। यहाँ पर एक कैंपस कंपनी का लेबल लगा हुआ आएगा, जिसपे साइज नाम और आर्टिकल नंबर वगैरह सभी लिखा हुआ आता है, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कब पैकिंग हुआ कब पैकिंग नहीं हुआ ये सब कुछ लिखा हुआ आता है। तो चलो मैं बता देता हूँ, अभी मेरे पास फ़िलहाल 9 नंबर की साइज़ है और इसका आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नाम है जो फर्स्ट है, और आर्टिकल नंबर है 11G787 का आर्टिकल नंबर है। और कलर की बात करें तो मेरे पास अभी नेवी मस्ट कलर है, आपको अलग अलग कलर में अवेलेबल मिल जाएगा ऑनलाइन अगर ख़रीदोगे तो। और इसका जो MRP रेट है वो 1799 है, और इसका मैन्युफैक्चर पैकिंग डेट की बात करें तो 7/2021 की पैकिंग है अभी जो ये मेरे पास है। आप मैं सोचूं कि आपके पास जो भी पैकिंग मिलेगी वो हो सकता है अलग डेट में भी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब फाइनल बॉक्स को ओपन करते हैं, तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करते हैं उसको। तो ये देखो मैंने खोल लिया है, और इसके अंदर हमको मिला है दोनों पैर के जूते। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ आता है जो कि कैंपस कंपनी द्वारा, ये पेपर बहुत ही हल्का और पूरा प्रिंट में बनाया हुआ है, और इसके ऊपर कैंपस का लोगो आता है, कैंपस नाम आता है, और यहाँ पर गो क्रेजी नाम लिखा हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों, अपने पास है दोनों पैर के जूते, तो चलिए दोस्तों उसको एक बार बाहर निकाल देते हैं। और इसके नीचे और क्या है तो बात करते हैं, कैंपस कंपनी का एक कैरी बैग दिया हुआ है जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का है, और इसके ऊपर कैंपस लोगो और कैंपस का नाम लिखा हुआ आता है, और ये कैरी बैग पे कैंपस की वेबसाइट आती है जो कि जहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हो कैंपस कंपनी के अंदर जूते कोई भी। तो चलिए दोस्तों, ये है अपने पास दोनों पैर के जूते है जो कि कैंपस कंपनी का है फर्स्ट आर्टिकल का। और यहाँ पर सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर ये कैंपस कंपनी का एक लोगो डिजाइन के रूप में, एक सिंबल के रूप में दिया हुआ होता है, जो कि एक चैन में गोल्डन कलर का ये फिटिंग किया हुआ है, और यहाँ पर जो लगा हुआ है आप देख सकते हो। तो आप देखते हैं फाइनली जूता, तो ये है अपने सामने फर्स्ट आर्टिकल कैंपस कंपनी का जूता। तो देखो यहाँ पर साइड में ये नाम लिखा हुआ था फर्स्ट, और यहाँ पर ये क्या नाम लिखा हुआ है रन, ठीक है दोस्तों, और कैंपस का लोगो आता है, कैंपस नाम लिखा हुआ आता है, कुछ इस टाइप का है जूता। और ये पूरा यहाँ से जालीदार बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये येलो कलर में एक लाइन आती है, और इधर की साइड में भी एक फर्स्ट नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर गो क्रेजी नाम है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले ऊपर के भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी लेस बनाई हुई है पूरी, और लेस वाला जूता है, ठीक है दोस्तों। और इसको पीछे की पार्ट से देखे तो यहाँ पर ये येलो कलर में दिया हुआ, हो सकता है आप दूसरे कलर में कोई जूता मंगवाओगे ऑर्डर करोगे तो हो सकता है ये पट्टी आपको कोई दूसरे कलर में भी मिल जाए, और पूरा ही जूता आपको अलग कलर में भी मिल सकता है, जो आप जो कलर मंगवाओगे। बहुत सारे कलर बनाए हुए हैं,
अब इतना मुझे भी विशेष पता नहीं कि इसके कितने कलर हैं, आप देख सकते हो। अब देखो इसके सबसे पहले तो अंदर की बाग की बात करें तो यहाँ पर ये रनिंग नाम लिखा हुआ होगा और कैंपस का लोगो है और कैंपस का नाम लिखा हुआ है कैंपस, ठीक है। और इसका जो इंसोल है वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बनाया हुआ है जो कि आके मतलब 24 कलाक आप जूते को पहन के रखोगे तो भी आपको इतना सारा कुछ महसूस नहीं होगा कि हार्ड नहीं लगता है, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वाइट करता है। तो देख सकते हो ये पीछे का पार्ट भी इसके बहुत ही गद्दीदार बनाया हुआ है जो कि पहनने का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ जो लिखी हुई होती है, जो साइज़ आप मंगवाओगे वो कलरफुल में यहाँ पर दिखेगी और यहाँ पर कैंपस का नाम है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट पार्ट की अब बात करते हैं, तो फ्रंट पार्ट में ये कुछ पूरा ये सोल है जो ऊपर तक दिया हुआ है जो कि कहीं भी यहाँ से लगे तो भी इतने का कोई चांस नहीं रहे। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा ईवा सोल में बनाया हुआ है और यहाँ आके अंदर ये जॉयराइड डाला हुआ है और जॉयराइड भी इतना मजबूती से डाला हुआ है कि एक बार तो कैसा भी उसको झटका लगे तो ये टूटने का बिल्कुल चांस नहीं होगा। ये पूरा अंदर फिट है, इतना मजबूती से ये बनाया गया है ना कि कोई भी कैसा भी एक बार झटका लगेगा तो ये टूटेगा नहीं। और इसके नीचे की पाग की बात करें तो ये फाइनल सोल में पूरा बनाया हुआ है, यहाँ पर ये पूरा फाइनल सोल है जो कि कितना भी जूता चलने के बाद घिसता नहीं है, जो अभी दिख रहा है वैसा का वैसा दिखेगा। और ये जो बीच बीच में भाग दिख रहा है वाइट कलर का जो कि एक ईवा सोल से बना हुआ है और यहाँ पर ये आपको जॉयराइड पूरे खुले आमे दिख रहा है जो कि पूरा पारदर्शी भाग है। ये जॉयराइड दिखने के लिए ये पारदर्शी भाग बनाया हुआ है जो कि ये भी फाइनल सोल का ही है, ये पारदर्शी फाइनल बनाया हुआ है और जूता काफ़ी मजबूत है। इसकी सोल की बात करें तो बहुत हाई फेस्टिंग से सोल बनाया गया है, सोल में बहुत हाई फेस्टिंग से मजबूती से फिटिंग किया हुआ है जो कि निकलने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, आप जूते को कितना भी यूज करो कुछ टेंशन नहीं है। और अब इस जूते की फ़ायदे की बात करें तो बहुत ही मजबूती का है, मैं तो बोलूँ कि आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि जूते नहीं खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, पहले ऑनलाइन खरीदो ऑफलाइन खरीदो, इसमें जूते में कोई कमी नहीं है और आप पहनने में बहुत मजबूती है, जूते में कोई कमी नहीं है। जो भी लोग जॉयराइड वाला पहनना पसंद करते हैं वो लोग खरीद सकते हैं, मैं नहीं बोलूँ कि आप ऑनलाइन खरीदो ऑफलाइन, जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ से, अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हो और आपको अलग अलग कलर में मिल सकता है, जो आप कलर मांगोगे वो मिल जाएगा। और जो 1800 रुपये की MRP है 1799 की, इसके अलावा आपको कम रेट में मिलेगा। ये जो इसकी MRP रेट है आप ऑफलाइन कहीं शॉप से खरीदोगे तो भी वहाँ भी आपको कम रेट में मिलेगा और ऑनलाइन भी आपको कम रेट में मिलेगा। अब मैं आपको रेट पहले नहीं बता सकता कि ये फाइनली आपको क्या रेट में मिल सकता है, वो देखो हो सकता है जो कि आप खुद देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर एक बार क्लिक करके आप ऑनलाइन जाके देख लो अमेजोन पे। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का कोई था अपने कैंपस फर्स्ट आर्टिकल का जूता जो कि आपको रिव्यू करके बता दिया, पूरी तरीके से अच्छा है, जूते में कोई कमी नहीं है, खरीदना नहीं खरीदना वो आपके देखना है रनिंग। और इसका इंसोल भी बहुत बढ़िया, ये मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, जो इसका इंसोल दिया हुआ है जूते के अंदर के भाग का, जो ये अंदर का सोल है इसको इंसोल बोलते हैं और ये है बाहर का सोल, उसको आउटसोल बोले तो इसका सोल को बोलते हैं आउटसोल और ये है इंसोल। जूता बहुत बढ़िया है, जूते में कोई कमी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नए नए वीडियो जितना भी मेरा आता रहेगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यही अंत करते हैं, लेके आते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो।